ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। योगयुक्त जीवन स्वयं को भी बहुत प्रिय लगता है और योगी आत्माएं भगवान के तो मानो नैनों में बसे रहते हैं। संसार को भी, प्रकृति को भी योगयुक्त आत्माओं की बहुत बहुत जरूरत है। जो योगी बन जाते हैं वो वास्तव में सर्व प्राप्तियों के अधिकारी बन जाते हैं। योगी ही सच्चे मन से महसूस करता है कि भगवान मेरा है, वो उस पर प्यार और अधिकार की संपूर्ण फीलिंग करता है। तो आओ हम सब योगी बने, क्योंकि आने वाला समय योगियों का होगा। योगयुक्त आत्माएं ही अपने सर्व खजाने देकर, दृष्टि डालकर दूसरों का कल्याण करेंगी। तो याद रखेंगे, अहंकार से हमारा कोई नाता नहीं है, क्योंकि योगी और अभिमान दोनों साथ साथ नहीं चलते। जहां अभिमान है वहां योग टूट जाता है, और जहां श्रेष्ठ योग होगा वहां अभिमान की रियलाइजेशन भी अवश्य होगी। अगर कोई बहुत अच्छा योग भी करता हो लेकिन उसे अपने अभिमान की पकड़ ही ना हो तो उसका योग यथार्थ कभी नहीं माना जाएगा। हम स्वयं को स्वमान में स्थित करते चलें और अभिमान से मुक्त होते चलें। याद रखेंगे, जितना ज्यादा हमारा स्वमान बढ़ेगा उतना ही अभिमान और अहंकार घटता जाएगा। अहंकारी व्यक्ति दूसरों को सम्मान नहीं देता, लेकिन स्वमानधारी व्यक्ति न केवल दूसरों को सम्मान देता है लेकिन उन्हें स्वमान की ऊंची नजर से भी देखता है। स्वमान हमारे जीवन को बहुत महान बना देता है, और जहां अहंकार है वहां व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, उसमें कितने भी योग्यताएं हों, लेकिन उसका प्रभाव लोगों पर बहुत गहराई तक नहीं पहुंचता। हमें सेवाएं भी करनी हैं, हमें लोगों के संपर्क में भी आना है, हमें उन्हें गुड वाइब्रेशंस भी देने हैं। इसलिए हम निरहंकारी बने। अहंकार हमारी सेवाओं के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है, क्योंकि अहंकार में आकर ही आत्माएं टकराव में आती हैं, और जहां सेवाओं में टकराव होता है वहां तो सफलता का प्रश्न ही नहीं उठता, वहां तो वाइब्रेशन ही बहुत अशांत हो जाते हैं, और लोग तो हमारे पास शांति की अनुभूति के लिए आते हैं, लोग तो हमारे पास प्रेम पाने आते हैं। यदि हम अहंकार के मद में चूर होंगे तो हमसे लोग क्या पाएंगे। अहंकारी व्यक्ति तो खुद ही खाली होता है। और एक बात आज हमें विशेष रूप से स्वयं में चेक करनी है, अहंकार का एक बड़ा सूक्ष्म स्वरूप, मैं राइट हूं, इस बात को जरा ठीक करें। हमेशा मैं ही राइट नहीं होता। दो व्यक्ति जब आपस में झगड़ते हैं दोनों ये समझते हैं हम राइट हैं, पर वास्तव में दोनों ही गलत होते हैं। जो राइट है, जो सही है, जो सत्य है, उसे शांत होना चाहिए, और शांति का प्रभाव अपनी राइट बात के साथ जोड़ लेना चाहिए। यदि शांति, सहनशीलता भी हमारी सत्य बात के साथ जुड़ जाएगी तो हमारी सत्य बात दूसरों को अवश्य स्वीकार्य हो जाएगी। लेकिन मैं राइट हूं ये सोच सोच कर, राइट होते भी यदि अभिमान आ गया, यदि लड़ाई झगड़ा हो गया, यदि स्थिति बिगाड़ ली, तो उस सत्य बात का प्रभाव नष्ट हो जाएगा। तो आज हम सारा दिन अहंकार पे ध्यान देंगे, कहां कहां हमारे अंदर मैंपन आता है इसको चेक करेंगे, और इस स्वमान का अभ्यास करेंगे। मैं एक महान आत्मा हूं, स्वयं भगवान की नजर मुझ पर पड़ी है, उसने करोड़ों में से मुझे चुना है, मेरी चमक संसार की सभी आत्माओं से ज्यादा है, मेरे प्रकाश से संसार का अंधकार दूर हो रहा है, और साथ साथ
बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। बहुत गुड फीलिंग करेंगे, अपने हाथ बाबा के हाथ को अपने सिर पर पाएंगे, अपने हाथ में बाबा का हाथ देखेंगे और देखें आज की सुंदर अनुभूतियां। तो आप सबको बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति।